This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज़ पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वक्ताओं की अनंतिम सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संभवतः 26 सितंबर को संबोधित करेंगे। तमिलनाडु में नाम तारीमर पार्टी के मदुरे उत्तर जिला उप सचिव बाला सुब्रमण्यम की आज सुबह उस समय हत्या कर दी गई जब वह राज्य मंत्री पलानीवेल त्यागराजन की आवास के पास सड़क पर चल रहे थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष हैं। मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के पास एक बस के ट्रैक्टर से टकराकर खाई में गिर जाने से 4 लोगों की मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार चुना गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में बीती रात से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। जंगल में दोनों तरफ से लगातार फायरिंग हो रही है। एनकाउंटर में सेना के एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि डोडा जिले में हमारे सेना के जवानों और जेकेपी कर्मियों पर हुए कायरतापूर्ण हमले के बारे में जानकर मुझे गहरा दुख हुआ है। कोल्हापुर के विशालगढ़ किले से अतिक्रमण हटाने को लेकर रविवार को जमकर बवाल हुआ। दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही है। नियुक्ति मामले में विवाद का सामना कर रही पूजा की मां का पिस्तौल दिखाने वाला वीडियो आने पर उनकी दिक्कतें बढ़ गई है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सोमवार को मातोश्री गए और फिर वहां से आकर मीडिया को जो बयान दिया उस पर शिंदे गुट की शिवसेना ने आपत्ति जताई है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने शरद पवार से मुलाकात की तो कई तरह की अटकलें लगने लगी है। हालांकि मुलाकात के बाद कुछ और ही मामला सामने आया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज है। शरद पवार गुट का दावा है कि एनसीपी के विधायक उनके संपर्क में है। घरेलू शेयर बाजार में आज निफ्टी ने नया ऐतिहासिक हाई स्तर छू लिया है और पहली बार ये 24,650 की पार चला गया है। आईटी शेयरों में उछाल से निफ्टी को सपोर्ट मिला है। पूरे देश में हो रही लगातार बारिश ने चिलचिलाती गर्मी से तो राहत दे दी है, लेकिन उसके चलते सब्जियों के दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ आज करेगी सुनवाई। यूरोपियन क्रिकेट में ऐसा कमाल हुआ जिसकी शायद लोग उम्मीद भी ना कर सके। यहां ऑस्ट्रिया की टीम ने 11 गेंदों में ही 61 रन बनाकर मैच जीत लिया है। अक्षय कुमार की फिल्म सरफिराज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। वीकेंड में इस फिल्म की कमाई का ग्राफ ऊपर गया था, लेकिन वीकडेज आते ही इस फिल्म की कमाई में भारी गिरावट दर्ज की गई है। विकी कौशल, तृप्ति दिमरी और एमी विर्क की बैड न्यूज का तीसरा गाना लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। इसकी वजह यह है कि इसे पुराने गाने के रिमेक के तौर पर बनाया गया है। बिग बॉस OTT3 के घर में इस हफ्ते हुए नॉमिनेशन में अरमान मलिक की दूसरी पत्नी कृतिका नॉमिनेट हुई है। इससे पहले भी कृतिका कई बार नॉमिनेट हो चुकी है। रणबीर कपूर की एनिमल को रिलीज हुए 8 महीने का वक्त हो चुका है। हालांकि फिल्म अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है। एनिमल के सिक्वल को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।